नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दिग्विजय सिंह के नसीहत पर सियासत होने लगी है। दिग्विजय सिंह ने कार्तिकेय सिंह चौहान को नसीहत दी थी कि राजनीति में सही भाषा का इस्तेमाल करें और अपने पिता से सीखें। दरअसल बुधनी में कल कार्तिकेय सिंह चौहान ने भाषण के दौरान कहा था कि अगर कांग्रेस का विधायक जीत गया तो क्षेत्र में एक भी ईंट नहीं लग पाएंगे। कार्तिकेय सिंह चौहान के इस बयान को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो अभी से इस प्रकार का भाषण न दें और अपने पिता शिवराज सिंह चौहान से सीखें। उनकी माने तो लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों भारत निर्माण में सहयोगी होते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कार्तिकेय सिंह के पिता शिवराज सिंह चौहान गवाह हैं कि वो 10 साल तक सीएम रहे लेकिन ऐसी भाषा का कभी उपयोग उन्होंने नहीं किया। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि कार्तिकेय सिंह मेरे पुत्र नहीं, पौत्र सम्मान है और ये मेरी राय है, आप माने न माने आप जाने। मैं ऐसे कार्यकर्ता परिवार का हिस्सा हूं जो पार्टी को अपने मां मानते हैं, जो पार्टी से किसी व्यक्तिगत। तो कार्तिकेय को दिग्विजय की नसीहत आपको दिखा रही है, बता रही है, लेकिन इस बीच आइए आपको सुनाते हैं कि बुधनी में कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा क्या था। भारत की विचारधारा की पार्टी, अगर 19-20 हुआ किस मुंह से जाएंगे हम हमारे नेताओं के पास काम कराने के लिए, कौन सी सड़क लेके जाओगे? अगर गलती से भी कांग्रेस का विधायक, वैसे होने वाला नहीं है लेकिन गलती से भी आ जाता है यहाँ पर, तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली है, समझ लेना आप सब। पर तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली है, समझ लेना आप सब। पर तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली है, समझ लेना आप सब। पर तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली है, समझ लेना आप सब। अगर 19-20 हुआ किस मुंह से जाएंगे हम। तो वही दिग्विजय सिंह के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर हमला करते हुए कहा कि वो पहले अपने बेटे और भतीजे को शिक्षा दे। तो वही बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए क्या कहा, देखिए। वो दिग्विजय सिंह जो स्वयं के अपने पुत्र और भतीजे के क्रियाकलापों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे, हमने देखा कि किस प्रकार से अधिकारियों के साथ सिगरेट के छल्ले उगाते हुए बेहद ही अशोभनीय आचरण करते हुए उनके जो भतीजे हैं वो कैमरे पर रिकॉर्ड हुए थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को सब सदाचरण की सीख दे रहे हैं। अरे दिग्विजय सिंह, पहले अपने घर में आप इस प्रकार की चीजों को करिए। और कार्तिकेय चौहान ने जिस तरीके से जनता को धमकी दी है, कहा कि अगर बुधनी हारे तो एक ईंट नहीं लगेगी, ये घमंड और अहंकार बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितने निम्न स्तर पर आ चुकी है। तो कार्तिकेय सिंह चौहान के बयान पर, दिग्विजय सिंह की सीख पर, बीजेपी के विरोध पर जीतू पटवारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हर बेटे को का आदर्श उसका पिता होता है, लेकिन दिग्विजय सिंह को सीख दे ये सभ्यता नहीं है, मर्यादा तोड़ दी है। उनकी माने तो कार्तिकेय युवा हैं, इसीलिए बड़ों के बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कार्तिकेय की भाषा का को अहंकार का प्रतीक बताया है। हर बेटे को अपने पिता को आदर्श मानना चाहिए, उनने भी माना, अच्छी बात है। पर दिग्विजय सिंह जी को सीख दें, ये एक तरह से फिर उनने जो सभ्यता थी, योग्यता थी, उस पर विचार करना चाहिए। कार्तिकेय अच्छे नए युवा है, साथी हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ों के बीच में बच्चों को नहीं बोल। तो किसने क्या कहा ये आपने सुन लिया। हालांकि दिग्विजय सिंह ने यही कहा कि पिता से सीख लें कार्तिकेय, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए और अभी से इस तरह के भाषण नहीं देने चाहिए। आपने ये भी सुना कि कार्तिकेय चौहान ने क्या कहा। हालांकि अब दिग्विजय सिंह के नसीहत पर सियासत होने लगी है। दिग्विजय सिंह ने जहां कार्तिकेय सिंह चौहान को नसीहत दी कि राजनीति में सही भाषा का इस्तेमाल करें और अपने पिता से सीखें। नीलाभ शुक्ला कांग्रेस के प्रवक्ता साथ जुड़ गए हैं इस पर चर्चा के लिए और अजय सिंह यादव बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो मैं सवाल अजय जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि कार्तिकेय सिंह चौहान को नसीहत दी जा रही है, उन्हें कहा जा रहा है कि भाषा का सही तरीके से इस्तेमाल करें,
क्योंकि उन्होंने हाल ही में कहा था इसको लेकर कि अगर आप लोग हमारी सरकार नहीं लाते या फिर आप अगर हमारे कैंडिडेट को नहीं चुनते तो फिर यहां एक ईंट भी नहीं लगेगी। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। देखिए, जिस तरह से बुधनी में कार्तिकेय चौहान जी कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे और कार्यकर्ताओं की बैठक में कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर ज़्यादा से ज़्यादा मतों को से भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, और ये चुनाव में एक सामान्य प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी में तो परंपरा रही है, जीतू पटवारी तो कहते थे कि पार्टी गई तेल लेने, तो ऐसी परंपरा भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो सकती है। और कार्यकर्ताओं के काम का मूल्यांकन सदैव होता है, चाहे सदस्यता अभियान रहा हो, चाहे दोनों उपचुनाव हो, जिनके बूथों पर पार्टी को ज़्यादा मत मिलेंगे, जहां पार्टी का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होगा, निश्चित ही उन कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन होगा। ऐसे में ये सहज प्रक्रिया है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपत्तिजनक है। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह जो अपनी पार्टी में नकारे जाते हैं, किस तरह से उनके भतीजे द्वारा पुलिस अधिकारियों के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया, और उस समय दिग्विजय सिंह ने चुप्पी साध ली, उस समय दिग्विजय सिंह ने कोई ट्वीट नहीं किया था, तो ऐसे नकारे हुए निकम्मे नेताओं से हमें किसी सीख की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो प्रदेश की जनता नकार रही है दिग्विजय सिंह को, तो कांग्रेस पार्टी। नीलाभ शुक्ला जी से भी ले लेती हूँ, नीलाभ जी भी साथ जुड़े हैं। नीलाभ जी, कहा यह जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस अपने नेताओं को क्यों नहीं देखती है, उनके नेता खुद मर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करते और ज्ञान देते हैं कि दूसरे मर्यादा में रहें। शिवराज पुत्र कार्तिकेय, अभी आपने राजनीति का ककहरा भी नहीं सीखा है और आप मतदाताओं को धमकी देने, यही गलती से कांग्रेस का विधायक आ गया, यानी कांग्रेस का विधायक जीत जाता है तो एक ईंट भी गांव में नहीं लगेगी। ये भले प्रत्याशी उनकी पसंद का हो या ना हो, भाजपा का हम कोई सा प्रत्याशी उतार दे, अगर आपने उसको नहीं जिताया तो आपके गांव में एक ईंट नहीं लगेगी। ये शिवराज के पुत्र कार्तिकेय सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, इन्होंने राजनीति का ककहरा भी नहीं सीखा। दिव्य सिंह ने कितनी अच्छी बात करी, उन्होंने अपना पुत्रवत मानते हुए उन्हें नसीहत दी कि राजनीति में ऐसी भाषा उचित नहीं है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसको डिनाई कर रहे हैं, आपका बुद्धि का मैं कई बार सुविचार मना लेता हूँ। पुत्रवत मान के अगर आपको सलाह दी जाती तो उसमें आपको सोचना चाहिए कि इन्होंने एक अच्छी सलाह नेक सलाह दी है कि राज्य में किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नहीं, उसको भी ये टीका टिप्पणी उस पर कर रहे हैं। लोकतंत्र में जितनी भूमिका सत्ता पक्ष की होती है उतनी विपक्ष की भी होती है। क्या यदि जनता ने कांग्रेस का विधायक बना दिया तो आप जनता से बदला ले, क्या यही लोकतंत्र है आपका? आप काम नहीं होने देंगे, आप खुली धमकी दे रहे हैं। अभी तो कार्तिकेय जी आप राजनीति का ककरा ककर भी नहीं सीख रहे, पिता की वजह से आपको विरासत में राजनीति मिल गई लेकिन राजनीतिक परिपक्वता नहीं आई है। यही नसीहत तो दिग्विजय सिंह जी ने दी है कि राजनीतिक परिपक्वता भी पिता से सीखे, सही भाषा का, सहयत भाषा का, कम से कम मतदाताओं का अपमान न करे, मतदाताओं को धमकी न दे। यही तो भाषा उन्होंने दिग्विजय सिंह ने सही बात करी है। यदि सरकार काम करती तो कोई एहसास नहीं करता। मेरा ये मानना है अजय जी, इसमें मुझे लगता है कि बीजेपी को पलटवार करने की कोई जरूरत नहीं थी दिग्विजय सिंह के बयान के, क्योंकि अगर कोई भी घर का भी, मैं कह रही हूं राजनीति से इतर हटकर आप देखें, घर का भी कोई बड़ा बुजुर्ग आपको कोई चीज समझाता है तो आप उससे ये नहीं कहते कि आपने क्या किया, आप उसकी बात को मानते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहां तो कार्तिकेय सिंह चौहान के लिए सौभाग्य की बात है कि इतने वरिष्ठ नेता जो एक बड़े पद पर रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजों में रह चुके हैं, उन्होंने उनको एक, एक, एक बात कही, नसीहत दी है। अजय जी, देखिए दिग्विजय सिंह जी का जिस तरह का चरित्र रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, इसलिए दिग्विजय सिंह की तो नसीहत भी राजनीतिक होती है। मैंने तो पूर्व में कहा कि दिग्विजय सिंह के स्वयं के पुत्र समान भतीजे ने जब पुलिस के साथ बर्ताव किया था तब दिग्विजय सिंह का ट्विटर क्यों शांत हो गया था। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति स्पष्ट है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारी गरीब कल्याण की नीतियां बिना भेदभाव के सभी लोगों को समान रूप से मिलती है, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे गरीब कल्याण के लिए राशन योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, सभी योजनाएं बिना भेदभाव को सभी में मिलती है। नीलाभ, अब ऐसे में जब कार्यकर्ताओं की बैठक होती है तो कार्यकर्ताओं के लिए भटक रहे हैं, अंतर कर रहा है बात का। यही सरकार कोई काम करती है या कोई
विधायक कोई काम करता है तो उसका दायित्व होता है, वो कोई एहसान नहीं करता। आप कैसे दबाव बना सकते हैं कि अगर आपने फला फला पार्टी के विधायक नहीं चुना तो हम नहीं, अजय जी कह दीजिए, ये सौभाग्य की बात है। कार्तिकेय सिंह चौहान को दिग्विजय जी ने नसीहत दी है तो ये सौभाग्य की बात है ना, आप लोग को खुश होना चाहिए। इसमें दूसरों की कमी निकालने के बजाय आप लोग को खुश होना चाहिए कि चलिए ठीक है हम इसको फॉलो करेंगे आगे बढ़ेंगे, वही चीज खत्म। मेरी बात सुनिए और मैंने तो पूछा कि दिग्विजय सिंह जो आतंकियों का समर्थन दे, देशद्रोहियों का साथ दे, ऐसे नेता क्या नसीहत दे सकते हैं? ये केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनके परिवार के लोग आतंक करें, अपराधियों को संरक्षण करें। उमंग सिंगार जिन्हें प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कहे, उनकी नसीहत की हमें जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को भी रखे और उनकी नसीहतों को भी रखे। ठीक है, मैं आऊंगी अजय जी आपके पास दोबारा। नीलाब जी पार्टी अपनी बात कीजिए। नीलाब जी कहते थे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, रखिए आप एक वरिष्ठ प्रवक्ता है, आप शांति रखिए। मैं वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम दिग्विजय सिंह से इतर अगर बात करें, हम दिग्विजय सिंह को बीच में नहीं ला रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो कार्तिकेय ने जो कहा है क्या ये सही है? आप उससे इत्तफाक रखते हैं? आप उसका समर्थन करते हैं? आपकी सरकार आपकी पार्टी उसका समर्थन करती है कि मतदाताओं को खुलेआम धमकी दी जाए कि अगर कांग्रेस का विधायक चुना जाता तो यहाँ पर ईंट नहीं लगेगी? क्या आप समर्थन करते हैं? आपकी पार्टी समर्थन करती है? आप स्वयं समर्थन करते हैं? उसके के बयान से इत्तफाक रखते हैं? मैं आपसे मैं जवाब देता हूँ, जवाब देता हूँ। देखे नीलाब जी, बिल्कुल जवाब सुन लीजिए, आप इतनी बार सवाल रिपीट कर रहे हो। देखिए, पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक थी तो पार्टी कार्यकर्ताओं को अच्छे परिणाम के लिए उत्साहित करना यही नेता का कर्तव्य होता है। तो ये कहा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा मतों को पार्टीज को जिताएं, उत्साहित होकर काम करें ताकि विकास कार्य भी ज्यादा होंगे और कार्यकर्ता का मान सम्मान भी बढ़ेगा। ये सहज प्रक्रिया है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपत्तिजनक नहीं है। दिग्विजय सिंह तो मीनाक्षी नटराजन को टंच माल कहते थे कि ये टंच माल लाया हूँ, इसको वोट दीजिए, ये होती है विवादित भाषा। तो दिग्विजय सिंह पे आपने क्या कार्रवाई करी? और कमलनाथ कहते थे इमरती देवी के लिए आइटम जैसे शब्द, तो ऐसे नेताओं को तो आपकी पार्टी बड़े पद देती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को तो नैतिक अधिकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी को तो नैतिक अधिकार नहीं है ऐसे विषयों की बात करने के लिए। कार्तिकेय जी ने पूरी तरह राजनीतिक बात की, कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, पूरी तरह केवल कार्यकर्ताओं के उत्साह। ठीक है अजय जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं अजय जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। बुधनी की जनता ने हमेशा से ही बीजेपी के कैंडिडेट को चुना, मान लीजिए अगर मान लीजिए, मैं कह रही हूं, मैं इसे कंफर्म नहीं बोल रही हूं, मैं कह रही हूं मान लीजिए अगर नहीं चुनती तो क्या यहां पर कोई विकास ही नहीं होगा? देखिए, मैंने आपसे पूर्व में भी कह चुका हूं कि केंद्र से राज्य सरकार तक की सभी गरीब कल्याण की योजनाएं सभी को समान रूप से मिल रही हैं, कहीं कोई भेदभाव का सवाल नहीं है। यही तो बात है अजय जी, नहीं आज तक शिवराज सिंह चौहान ने कहा ये बात, नहीं आज तक कार्यकर्ताओं की बैठक होती है ये बात कही, ना ही किसी बड़े नेता ने कहा, तो क्यों कार्तिकेय चौहान ने ऐसा कहा? यही तो सवाल है अजय जी, अब आप हवाला मत दीजिए कि केंद्र ने क्या कहा और किसने क्या कहा। कह रहा हूं जब कार्य देखिए अजय जी, सवाल यही है कि अगर किसी बड़े ने नसीहत दी है तो उस पर क्यों पलटवार किया जा रहा है? मतों से जिताएं। ठीक है, आप एक सेकंड, नीलाब जी से मैं कमेंट ले लूं। नीलाब जी, कार्यकर्ताओं की आंतरिक बैठक थी, उसमें कार्यकर्ताओं के उत्साह वर्धन के लिए बात कही गई थी जो कि सामान्य सहज प्रक्रिया है, इसमें कहीं कोई विवाद की बात नहीं है। ठीक है नीलाब जी प्लीज आप बोलिए। इससे ये तय होता है पार्टी पार्टी होती है, टंच माल कहते हो, तेल लेने गई पार्टी, इनको डिबेट की गरिमा का ही पता नहीं, इतने वरिष्ठ प्रवक्ता है बीच बीच बोले जा रहे हैं। ठीक है बोलिए, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करिए नीलाब जी, फिर मैं अजय जी के पास जाऊं। इससे ये तय होता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विधायक के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार रखती है, उनके क्षेत्र में काम नहीं होने ना चाहती, मतदाताओं से बदला ले रहा है। नीलाब जी आपसे सवाल है, दिग्विजय सिंह जी ने अपने भतीजे के बर्ताव पर क्या ट्वीट किया आप बता दो? आप सादगी और नहीं, लेकिन नीलाब जी एक चीज कांग्रेस को भी ध्यान में रखनी होगी कि दिग्विजय सिंह नसीहत दे रहे हैं वहां तक ठीक है, लेकिन बाकी के नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो वाकई में उस वक्त नहीं बोलते हैं जब उन्हीं के पार्टी के किसी व्यक्ति का वीडियो भी वायरल होता है। आपको इस बात को भी मानना पड़ेगा नीलाब जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलाब जी साथ जुड़ने के लिए। अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि